ओके, सेंटेंस मेकिंग पे आते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड देने जा रहा था। बैकग्राउंड क्या है सेंटेंस मेकिंग का, कि आप जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो आपको, हमने पढ़ लिया था कि क्लॉज कम से कम एक इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक सेंटेंस कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखता है। वी स्टडीड दैट, वी डिस्कस दैट, ठीक है जी। आज हम, लेकिन एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस भी तो हो सकती है ना। आज हम यही सीखेंगे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, कि हम ज्यादा सेंटेंसेस मिलाकर एक सेंटेंस कैसे बनेंगे, सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस, जैसे बायो में आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ, ये वही सिंथेसिस वर्ड है। सिंथेसिस में असल में ज्यादा अज्जा को मिलाकर एक एलिमेंट जो है वो कंपोज किया जाता है। तो आज हम ज्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे और सेंटेंसेस की वैरायटी बनाना सीखेंगे। और ये सिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? यस, दैट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर डेली लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ, बट ऑल्सो फॉर योर कंपेटिटिव एग्जाम्स एंड अदर्स। क्यों? अभी आपके सामने जो है वो नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी जी। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? पहले डेफिनेशन देखते हैं। सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस। ज्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाने का अमल सिंथेसिस है। अब वो जो एक सेंटेंस होगा वो सिंपल भी हो सकता है। आपको अजीब लगेगा कि वी वुड बी कंबाइनिंग टू और मोर सेंटेंसेस एंड मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस। अब आप बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, हसन भाई आप सुन रहे हैं, उस दिन हमारा बड़े मजे की बातें हुई थी सेंटेंस पे, और बाकी लोग भी, कि सिंपल में तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ही एक होता है। सिंपल वन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वन सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वर्ब से लेकर एंड तक का हिस्सा प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में। हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट की डेफिनेशंस निकाली थी। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि दो तीन सेंटेंसेस मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बने, सीखेंगे आज। कंपाउंड, कंपाउंड में आपने पढ़ा था कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, मतलब दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होते हैं। कंप्लेक्स, कंप्लेक्स में हमने पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज। और अगर किसी ने लेक्चर मिस किया था तो उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कंप्लेक्स का, कि कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, कंप्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है। ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकती है पर एक सबॉर्डिनेट क्लॉज जरूर होती है। सबॉर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का फर्क क्या है? एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक क्लॉज है, एंड इफ इट कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस इट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई वेंट टू लाहौर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखो मैं फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस बना सकता हूं। आई वेंट टू लाहौर अलहदा करके लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं लगाता हूं इफ यू वेंट टू लाहौर, इफ यू वेंट टू लाहौर, अब क्लॉज तो है कि सब्जेक्ट वर्ब है यू वेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? मैं इफ यू वेंट टू लाहौर के एंड पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। रीजन, मीनिंग इज नॉट कंप्लीट, अभी उसको कुछ और चाहिए। अगर तुम लाहौर गए, आई वुड अकंपनी यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इफ यू वेंट टू लाहौर आई वुड अकंपनी यू। तो गौर करें, हमारे दो क्लॉजेस जो है वो आपस में ज्वाइन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट है आई वुड अकंपनी यू, और एक डिपेंडेंट है इफ यू वेंट टू लाहौर। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते, मूव करते हैं जी। तो वो कंपाउंड कंप्लेक्स भी हो सकता है। कंपाउंड कंप्लेक्स में हमने पढ़ा था कि एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज होगी। टू इंडिपेंडेंट उसको बना देंगे कंपाउंड। ये पिछले लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है क्योंकि उसी लेक्चर से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो मैंने आपका टोटल जो ब्रेकअप बनाया है, ये 3 मंथ्स का टोटल ब्रेकअप मैं बना चुका हूं, आपको लोगों को थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर रहा हूं। इंग्रेडिएंट्स में आपको सारे शेयर कर चुका हूं कि जो हमने पढ़ने, वो टोटल इंग्रेडिएंट शेयर कर चुका हूं। वो आपका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें सारे इंग्रेडिएंट शेयर कर दिए थे, और वो जो मैंने लेक्चर्स की आज लिंक्स की लिस्ट भेजी है उसके अंदर जो फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन उसकी तरतीब मेरी अपनी मर्जी की, और वो लगाई है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ा रही है ऊपर। तो पिछला स्टेप जो था मुझसे अगले स्टेप पर आ रहे हैं, और पिछले स्टेप को मैं अभी लिंक कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप याद दहानी आ जाए। तो कंपाउंड कंप्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट है, कंपाउंड कंप्लेक्स में भी दो इंडिपेंडेंट कम अज कम, और एक सबॉर्डिनेट। और जब एक सबॉर्डिनेट क्लॉज मिल जाती है तो वो कंप्लेक्स होता है। तो देखो जुमला कंपाउंड भी हो गया, कंप्लेक्स भी हो गया। तो हम आज कंपाउंड कंप्लेक्स, जुमला, ज्यादा जुमलों को मिलाकर एक कंपाउंड कंप्लेक्स कैसे बनाना है, कंप्लेक्स कैसे बनाना है, कंपाउंड कैसे बनाना है, सिंपल कैसे बनाना है। 3-4 सेंटेंसेस मिलाकर भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो। आइए नीचे पहले एग्जाम्पल पहले वाले में देख लेते हैं।
ही सा टाइगर ही रैन अवे, ही सा टाइगर ही रैन अवे, आपको दो क्लॉजेस मिल रही है, एक टाइगर देखा वो भाग खड़ा हुआ, सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे कंबाइंड है, ये सिंथेसिस हो चुका है, कंबाइंड काम हो चुका है। अब इसके आगे मैंने लिखा है वन सिंपल सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस बना है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो वर्ब्स हैं, सीइंग भी वर्ब है और रैन भी वर्ब है, और आपने कहा था कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, तो बच्चे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो एक ही है ना, वो जो सीइंग है ना सीइंग, वो असल में प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर आ रहा है, वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। आज मैं आपको वर्ब को भी थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं, ऑल्दो सारा कुछ जाके वर्ब के टॉपिक में ज्यादा कंप्लीट हो रहा होगा। भाई ये जो वर्ब होता है ना आपका वर्ब, ये आपका एक्शन या स्टेट शो कर रहा होता है, ठीक है। आई टीच इंग्लिश तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आपका जो वर्ब है वो आपका टेंस भी शो करता है कि कौन सा जमाना है। आई टीच में टीच शो कर रहा है प्रेजेंट, आई टॉट में टॉट शो कर रहा है पास्ट, आई हैव टॉट में चूंकि हैव आ गया तो प्रेजेंट, वो प्रेजेंट परफेक्ट कह लेते हैं। आई एम टीचिंग में हमें नजर आ रहा है प्रेजेंट, लेक्चरिंग टीचिंग इंग्लिश में आपको मजे चीप जाने लगा हूं, वर्ब टेंस लॉजम शो करता होता है, फिर हम उसको फाइनाइट वर्ब कह रहे होते हैं, लेकिन वर्ब की काइंड्स में आपको बाद में उलझाऊंगा। अब मैं कहूंगा कि वर्ब भी मैं उसको कहूंगा जो टेंस जमाना शो करेगा। टीचिंग इंग्लिश आई आस्क क्वेश्चन, प्रेजेंट है आई आस्क क्वेश्चन, टीचिंग इंग्लिश आई आस्क द क्वेश्चन। आप लोग सरप्राइज हो जाए कि टीचिंग इंग्लिश दोनों टेंसेज में था, आई आस्क क्वेश्चन के पढ़ाते हुए इंग्लिश मैं क्वेश्चन पूछता हूं प्रेजेंट, टीचिंग इंग्लिश आई आस्क्ड अ क्वेश्चन पढ़ाते हुए मैंने क्वेश्चन पूछा पास्ट था, टीचिंग प्रेजेंट में भी टीचिंग था पास्ट में भी टीचिंग था, तो टीचिंग ने टेंस ही नहीं शो किया, तो टीचिंग वहां वर्ब नहीं है। मैं आपको वर्ब की पहचान बता रहा हूं आइंदा से कि आपको अगर पहचानना पड़े तो यहां सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक है, रैन, रैन ने बताया पास्ट है, अगर रन होता तो प्रेजेंट, सीइंग अ टाइगर ही रन अवे, टाइगर देखकर वो भाग जाता है, सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, टाइगर देखकर वो भाग गया, भी सीइंग ना प्रेजेंट में भी सेम था पास्ट में भी सेम था, सीइंग ने तो टेंस शो ही नहीं किया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ही एक आया, मैंने दो सेंटेंसेस मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया है, इसको हम सिंपल कहेंगे। और देखें आज के लेक्चर से आपको पिछला लेक्चर समझना और ज्यादा आसान होगा। आई डू होप आप लोग मेरी बात समझ आ रही होगी। कुछ क्वेश्चंस आए जल्दी से ले लेते हैं। सीइंग कैन वी से जेरन, सर सिंपल सेंटेंस में फ्रेज भी आ सकती है, एक सिंपल सेंटेंस में 10 फ्रेज लगाए वो होगा सिंपल ही। देखो आई टॉट इंग्लिश सिंपल है ना, आई टॉट इंग्लिश इन द गार्डन एट नाइट, दो फ्रेजेस लगा दी। आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन, तीसरी फ्रेज लगा दी। टू टीच यू पीपल द करेक्ट रूल्स, चौथी फ्रेज लगा दी। ये सारी मैं उसके एंड पर लगाई जा रहा हूं, तो इट मीन्स टू से कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस है उसके हमारा सेंटेंस सिंपल हम कहेंगे जब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक होगा, जब क्लॉज एक ही होगी। मेरी बात समझ आ गई, तो जितनी मर्जी फ्रेजेस आ जाए ऐसन आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। चले और सीखते हैं, अब हम इनके मेथड सीखेंगे, पहले सीखते हैं सिंथेसिस की इंपॉर्टेंस, फिर इसके मेथड्स। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इनशाला थोड़ा सा हम टाइम लगा लेंगे, आज बेशक 15-20 मिनट ऊपर चले जाए लेकिन काम निकालेंगे, और एंड पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें। और आपने अभी तक सोल्यूशन वीडियोस भी देख ली होंगी कि जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उसके अगर एंड पर कोई एक प्रैक्टिस है तो उसकी सोल्यूशन वीडियो भी आपको मिल रही है, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैरायटी इन सेंटेंसेस, पहला इंपॉर्टेंस, देखिए आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, ये सारी जो ग्रामर कर रहे हैं ये सिर्फ आपके कंपोजिशन के पेपर के लिए नहीं है, यस कंपोजिशन में ये काम आनी है क्योंकि ग्रामर में ये सारा चीजें हैं आपके सीएसएस के, ये उसका सिलेबस है। आप जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चे भी इसी क्लास में बैठे हैं, शुरू शुरू के वो कुछ अर्सा इकट्ठे चलेंगे फिर उनका क्लास ज्यादा हो जाएगी, कि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बहुत जरूरी है स्पेशली ऐसे राइटिंग के पेपर में। आप एक ही तरह के जुमले बनाई जाओगे क्या फायदा, एग्जामिनर लाइक नहीं करेगा, वो तो आपने थर्स्टी क्रो लिख दी जैसे आपकी क्लास 5 के स्टूडेंट्स में थी। वो मैं आपको बच्चों को मजाक में सुनाता होता हूं, वंस देयर वाज अ क्रो सिंपल, इट वाज थर्स्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, इट सॉ अ पिक्चर, इट वेंट टू इट, सारे तो सिंपल सेंटेंसेस लगा दिए।
आपने अपना जब ऐसे लिख रहे हैं तो सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखने। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एक्टिविटी सबमिट करवाई, मैंने उन सब स्टूडेंट्स की एक्टिविटी चेक की, रिटर्न भी की चेक करके। आई थिंक एक आध बंदे को, जैसे विनोद साहब को नहीं वो एक्टिविटी मिली। अगर आपको एक्टिविटी ना मिले, वैसे मैं रिटर्न करता हूँ चेक करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी होगी, आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज देख ली है चेक करके, बकायदा आपके ऊपर उसमें सर्कल लगे हुए हैं, आपके अंडरलाइन किए हुए हैं, आपको बताया गया कि यहाँ क्या गलती क्या और आना क्या था। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट देखी है जो मैंने चेक करके रिटर्न की है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट देखी है? स्टूडेंट की तरफ से है कि शी वाज सिक, नो इशू, वेलकम बैक जी। आप जो लेक्चर देखे, यही ऑनलाइन लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा है, आपको रिकॉर्डिंग्स में प्रोवाइड कर रहा हूंगा और रिकॉर्डिंग के लिंक्स दे रहा हूंगा। आयशा, मैंने असाइनमेंट चेक करके रिटर्न कर दी है। अच्छा, मैंने ना आज एक वीडियो बनाई है पूरी कंप्लीट गूगल क्लासरूम को यूज करने के लिए, बस उसकी रेंडरिंग बाकी रह गई है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। रेंडरिंग जैसी होती है मैं आपको वीडियो शेयर करता हूं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जब असाइनमेंट रिटर्न होती है तो उसको देखना कैसे। चले वो फिर आप उसके बाद बात करते हैं, वो कल बात करेंगे जब आप वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गूगल क्लासरूम अभी प्रॉपरली यूज करना शायद नहीं आता, तो उसके ऊपर मैंने एक इन्फॉर्मेटिव, वो बड़ा सिंपल है वैसे गूगल क्लासरूम, लेकिन मैंने एक वीडियो बना दी उसको प्रॉपर ऑपरेट करने के बारे में, कि आपने टेस्ट सबमिट कैसे करवाना है और जो आपको चेक होकर रिटर्न हो चुका होगा उसको आपने लोकेट कैसे करना है, चले वो आज देखेंगे। ओके जी, सेकंड प्रेसी मेकिंग में बड़ी हेल्प मिलेगी। आपने जब प्रेसी बनाते हैं सीएसएस के पेपर में, आपको पता है 25 मार्क्स की तो प्रेसी है, 20 मार्क्स की, तो प्रेसी में आपको जो अगर 200 वर्ड्स हैं तो आपको उसका 1/3 लिखकर आना है, मतलब 66 राउंड वर्ड लिख के आने उस 200 के, तो आपको ये सिंथेसिस हेल्प करेगा कि अच्छा 2-3 सेंटेंसेस को मिलाकर उसको छोटा कैसे करना है। आइडियाज कंप्लीट रखने, कोई आइडिया मिस नहीं होना चाहिए, प्रेसी का रूल हम सीखेंगे, कोहिरेंस हो, आइडियाज कंप्लीट हो, थॉट्स ओरिजिनल हो, लेकिन वर्ड आपके हो, स्टूडेंट के हो, तो प्रेसी मेकिंग में कितनी हेल्प मिलेगी आपको, सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी कि न्यू सेंटेंसेस पिछलों को मिला के बनाने कैसे, न्यू स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करनी है, एक्यूरेसी आएगी राइटिंग में, अक्सर बच्चे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, स्टाइल ऑब्टेन होगा, स्टाइल कैसे ऑब्टेन होगा, वैरायटी की वजह से, कि देयर वुड बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस वुड बी देयर, तो ऐसे राइटिंग में आपके स्टाइल गेन होगा और ग्रामेटिकल एनालिसिस आएगा आपको कि अच्छा एक सेंटेंस को आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को अगर मैं कहूं तो अभी तक हम थोड़ा सा उसको स्टार्ट ले रहे थे, गियर अप कर रहे थे, तो उस गियर अप को स्टार्ट लेते हैं। सिंथेसिस का पहला तरीका हम सीखने जा रहे हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, कि हम सिंथेसिस जनाब पार्टिसिपल के यूज से, याद रखिएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो ईडी फॉर्म है मतलब थर्ड फॉर्म जिसको हम कह रहे होते हैं, वो कई बार ईडी नहीं भी होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वो ईडी नहीं भी है, थर्ड फॉर्म वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। जो आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल ऐड करके दो जुमले एक बनाए जा सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, फर्ज करो दो हम जुमलों से हम, क्योंकि हमें असल चीज सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है, ये हमें प्रेसी में बड़ा काम देगा कि दो जुमले उनको इतना छोटा कर दिया कि वो एक जुमला एक सिंपल सेंटेंस बन गया, उसमें वर्ड्स कम से कम हो गए। ही हर्ड द न्यूज, ही रैन अवे, दो सेंटेंसेस है, ही हर्ड द न्यूज, ही रैन अवे। हम क्या करेंगे कि दोनों जुमलों में से एक जुमले का जो वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर लेंगे। हियरिंग द न्यूज, ही रैन अवे, और देखो कॉमा लगा दिया दोनों के बीच, हियरिंग द न्यूज, ही रैन अवे, अक्सर ये कॉमा मिस कर लिया जाता है लेकिन आना चाहिए, हियरिंग द न्यूज, ही रैन अवे, सो सिंपल। हमने जो एक्शन पहले होना है, याद रखना, इसमें भी थोड़ा सा फॉलो करना है, जो एक्शन पहले होना है वो आपने जो है उसको आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देना है। हियरिंग द न्यूज, ही रैन अवे। चलें, मैं आपको एक और जुमला देता हूं, खुद बना के मुझे लिखकर भी सेंड कर सकते हैं, बोल के भी सेंड कर सकते हैं, इसी तरह का एक जुमला, साथ साथ हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। ही लुक्ड एट द पिक्चर, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, ही लुक्ड एट द पिक्चर, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। बनाएं जी इसको जरा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें, सिंपल में मतलब दोनों का एक सेंटेंस बनाए जी।
Yes, very good, Mazhar. Looking at the question, looking at the picture, he asked the question. Very good, very good. देखिए आपको synthesis आना शुरू हो गया. अब ऐसे ने पूछा है कि प्रेसी में वन थर्ड नहीं करना होता, तो बच्चे वन थर्ड ही करना होता है. तो मैंने आपको वही कह रहा हूं कि वन थर्ड ही करना है. आपने तीन पे तकसीम कर लेने, जितने भी वर्ड्स होंगे उसको थ्री पे तकसीम कर लेना है. तो ऑलमोस्ट 200 का 66 ही बनता है, 66. और अच्छा, ये हम प्रेसी के रूल, जब प्रेसी के लेक्चर्स होंगे वो एक लेक्चर नहीं ज्यादा लेक्चर्स होंगे, क्योंकि प्रेसी ज्यादा कीमती चीज है आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में, और जॉब के कई एग्जाम्स और में भी आ जाती है आपकी. उसके अंदर याद रखिएगा कि आपने वन थर्ड करना है, हर सूरत करना है, पर ये नहीं है कि पूरा वन थर्ड है. उससे दो तीन चार वर्ड्स ऊपर भी हो सकते हैं, पर दो तीन चार, इससे ज्यादा नहीं जाना. अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब 66 है तो 66 to 70. ठीक है जी. कैन वी यूज बाय बिफोर लुकिंग? बाय बाय लुकिंग नहीं, बाय नहीं लगाना, लुकिंग एट द पिक्चर. अच्छा, अब मैं देखो, हमने इसको बनाया एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि हियरिंग द न्यूज ही रैन अवे, ही रैन अवे हमारी क्लॉज है. हियरिंग द न्यूज के साथ एक फ्रेज बन गई है, क्लॉज रही नहीं, क्योंकि क्लॉज क्यों नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं उसके अंदर, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं, तो क्लॉज ही नहीं. कितनी मजे की बहस हुई थी उस दिन, इकरान याद है आपको? बड़े मजे के सवाल थे. आप जिस बच्चे का क्वेश्चन मेरे ध्यान में आता है, नाम आ जाता है किसने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे उस वक्त. बड़े मजे के आप लोग ने फ्रेज और क्लॉज की चीजें थी और आपको क्लियर हुई फिर. तो सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं है तो वो हियरिंग तो क्लॉज ही नहीं है. आगे बढ़. अच्छा, अगर मैं चाहूं कि इसको मैं कंप्लेक्स बनाऊं, एक सबॉर्डिनेट और एक इंडिपेंडेंट, तो देखो मैं वो भी बना सकता हूं. व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही रैन अवे. व्हेन ही हर्ड द न्यूज है क्लॉज ही हर्ड द न्यूज, लेकिन व्हेन की वजह से वो सबॉर्डिनेट है. जब उसने खबर सुनी, मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ही रैन अवे इंडिपेंडेंट है. तो वन ही हर्ड द न्यूज ही रैन अवे. देखे मैंने दो क्लॉजेस मिला के एक सिंपल कंप्लेक्स जुमला बना दिया. तो ये टेक्निक हमने सीखनी है. कंप्लेक्स की खैर आगे टेक्निक्स आएंगे, अभी सिंपल की टेक्निक्स चल रही है. तो फिर कंप्लेक्स की और सारों की टेक्निक सीख रहे होंगे हम. नेक्स्ट आते हैं बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन. नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं जो नाउन के आगे उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड या वर्ड्स लगा दिए जाते हैं. मैं आपको जुमला दिखा रहा हूं. आई सॉ अ फेमस सिंगर, हर नेम इज दिया. आई सॉ द फेमस सिंगर दिया. देखिए, हर नेम इज दिया, मैंने उसको सिंगर के आगे ऐड कर दिया. बस सिंगर का नाम क्या था जी? दिया. और मैं वो कॉमा लगा के, जो नाउन इन अपोजिशन होता है वो कॉमा लगा के बाकी जुमले से सेपरेट हो जाता है. एक और एग्जाम्पल दी, इसकी दो एग्जाम्पल दी है. नुमान टीचस अस, ही इज अ गुड मैन. मैं दोनों को मिला रहा हूं, नुमान और ही इज अ गुड मैन को, मैं सिर्फ उसके अंदर से फ्रेज उठा ली अ गुड मैन और मैंने नुमान के आगे लगा दी, लेकिन कॉमास लगा के लगाई है, क्योंकि असल सेंटेंस है नुमान टीचस अस. अ गुड मैन नुमान के साथ मैंने लगा दिया है, कॉमास लगा दी, इसको हम कहेंगे नाउन इन अपोजिशन. तो ये नाउन को आप कह लें कि डिफाइन कर रहा है, उसको करेक्टराइज कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये कॉमास लगा के बाकी जुमले से सेपरेट हो गया. जुमले के एंड पर था तो सिर्फ पहले कॉमा आया, और जुमले के बीच में तो दोनों साइड पर कॉमा आया. ठीक हो गया जी. मैं आपको एक जुमला देता हूं यहां भी प्रैक्टिस के लिए. अच्छा, उसने कहा किस कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, किस कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल, अजवेरिया ने पूछा है. बच्चे, पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं जब वो काम हो चुका हो, जब वो काम हो चुका हो. मैं एक जुमला देता हूं पिछली स्लाइड से, चूंकि क्वेश्चन है तो पिछली स्लाइड पर ही वापस जाना पड़ेगा हमें. ओए, ये तो मैं ऊपर आ रहा हूं. ही वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज. ही वॉज अलार्म्ड, देखो ये काम हो चुका है, डन कंप्लीट. ही कॉल्ड द पुलिस. क्या कहेंगे जवेरिया या बाकी स्टूडेंट्स? अलार्मिंग एट द न्यूज ही कॉल्ड द पुलिस, के अलार्म्ड एट द न्यूज ही कॉल्ड द पुलिस. बोले क्या करेक्ट है? अलार्मिंग एट द न्यूज के अलार्म्ड, चूंकि काम पूरा हो चुका है, वो परेशान हो चुका है, तो आप अलार्म्ड लगाएंगे. अलार्म्ड, वेरी गुड रुबाब बच्चे, वेरी गुड. तो अलार्म्ड, ये रुबाब अलार्मिंग नहीं आना, अलार्म्ड, अलार्म्ड एट द न्यूज. ठीक है, खबर पर परेशान होकर ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस बुला ली. अलार्म्ड, अलार्मिंग एट द न्यूज नहीं. देखो हेयरिंग द न्यूज तो ठीक है कि खबर सुनते हुए वो भाग गया, मतलब वो खबर सुन नहीं रहा था, दरमियान में दौड़ गया. लुकिंग एट द पिक्चर, तस्वीर देख ही रहा था, सवाल पूछ लिया. ये नहीं कहना कि खबर पर परेशान हो रहा था और सवाल
और पुलिस बुला ली। अब खबर पर परेशान हुआ है तो पुलिस बुलाइए, अगर कंप्लीशन नजर आए तो आप पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दी, अदरवाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करिए। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईडी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, उससे हम अपना एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। रियली गुड जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। गुड क्वेश्चनिंग, जबरदस्त। अच्छा ये मैं इसका एक जुमला नाउन इन अपोजिशन का बनवाने वाला था आप लोगों से। ये अपोजिशन ए वाला है, ओ वाला टाइप हो गया है, ए वाला आता होता है अपोजिशन ग्रामर में, ए वाला है, ये ओ वाला नहीं है, नाउन इन अपोजिशन। मैंने अभी इसको गौर किया, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा अपने पास, स्लाइड्स में मैं ठीक करके भेज दूंगा। जुमला है, आई बॉट अ बुक, ठीक है जी, इट वॉज वेरी यूनिक बुक। जरा नाउन इन अपोजिशन से बनाने की कोशिश कीजिए। I bought a book. It was very unique book. जरा बनाए, I bought a book. It was a very unique book. लो जी आंसर आने शुरू हो गए। I bought a book. I bought a unique book. ये भी अच्छा है, आपने ये फिर noun opposition नहीं किया, आपने असल में adjective combine कर दिया है। Noun in opposition. I bought a बुक, आई बॉट इट वॉज यूनिक, ना ना ना, ये तो दो क्लॉजेज हो गई, आई बॉट इट वॉज यूनिक, आई बॉट अ वेरी यूनिक बुक, ये अपने मर्ज कर दिए, इसको हम मर्जर कह रहे होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सिंथेसिस का मतलब होता है कॉमास लगा के उसके आगे लगाना होता है, आई बॉट अ बुक कॉमा यूनिक, यूनिक वन या यूनिक बुक, बुक ना लिखे, बॉट अ बुक कॉमा यूनिक, या अ यूनिक वन। देखें ऊपर वाला जुमला देखें, आई सॉ अ फेमस सिंगर, हर नेम इज दिया, आई सॉ अ फेमस सिंगर दिया, चूंकि मैंने सिंगर को बयान कर रहा हूं तो मैं सिंगर के साथ दिया लिख दिया बस कॉमा लगा के, मैं बुक को बयान कर रहा हूं तो मैं बुक के साथ लिख दूंगा सिर्फ कॉमा लगा के। असल में आप लोग दूसरी क्लॉज देखने लगे जो दूसरी एग्जाम्पल थी, वो भी ठीक है, आप लोगों ने सिंथेसिस गलत नहीं किया, बस एक बच्चे के अलावा जिसने दो क्लॉजेस बना दी। Yes, जो है सुजान आपने बिल्कुल ठीक किया, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं जी, सुजान मुझे याद आ गया फ्रॉम अर्तुरुल जी, वहां से शायद नेम आपने चूज किया या हो सकता है आपका ओरिजिनल नेम ही हो। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास नाउन इन अपोजिशन हो गया, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन और जेरंड, जेरंड आई एन जी फॉर्म, आई एन जी फॉर्म एज अ नाउन यूज हो तो जेरंड कहलाती है। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, तो मेरे प्रोफेशन का नेम क्या है जी, टीचिंग, तो टीचिंग नाउन है, जो नेम है वो नाउन है, तो माई प्रोफेशन नेम इज टीचिंग, तो टीचिंग इज माई प्रोफेशन। सेपरेट देखते हैं जी, इसका तरीका सीखते हैं। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, ही फेल्ड इन द एंड। हमने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना लेनी है नाउन और या जेरंड लेकर, इन स्पाइट ऑफ मेनी ट्राइज ही फेल्ड इन द एंड। देखो ही ट्राइड मेनी टाइम्स, ही फेल्ड इन द एंड, In spite of many tries, he failed. Sentence simple ही रहा, कैसे सिंपल रहा, he failed. बाकी तो subject verb combination ही नहीं, he tried many times को हमने जम कर दिया, he failed के साथ जोड़ दिया, तो in spite of many tries, he failed in the end. तो आप एक synthesis करेंगे इसी तरह, I worked hard, I topped the exam. I worked hard, I topped the exam. जरा बनाए synthesis करें आपके सेंटेंसेस मेरे सामने, आई वर्कड हार्ड, आई टॉप्ड द एग्जाम। आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज बनानी है, एक जी स्टूडेंट्स, वर्किंग हार्ड आई टॉप्ड, ठीक है, लेकिन ये आपने वही प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फ्रेज बना ली। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला हम रूल कर चुके हैं, अब नया सीख रहे हैं। देखो आप रूल लगाना शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको तब बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क आई टॉप्ड द एग्जाम, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होती है जी, बिकॉज एक कंजंक्शन है लेकिन बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क आई टॉप्ड द एग्जाम। तो देखो आपने दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक छोटा सेंटेंस सिंपल बना लिया। चलें जी नेक्स्ट जल्दी से मूव करते हैं। हमारे पास आ गया जो
वर्किंग हार्ड, आई वर्कड हार्ड टू टॉप इन एग्जाम, ठीक है, या आपने इन्फिनेटिव बना लिया इसके अंदर, गुड है, वर्किंग हार्ड टू टॉप द एग्जाम। देखिए रुस्तम, आपके इस जुमले में गलती कहां है? वर्किंग हार्ड टू टॉप द एग्जाम, मुझे बताया जुमले में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कहां है? ये तो सेंटेंस ही नहीं बना। वर्किंग हार्ड टू टॉप द एग्जाम, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। जब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो काम कैसे चलेगा? क्लॉज ही नहीं आई तो सेंटेंस कैसे बनेगा? एक सेंटेंस में एक क्लॉज जरूर होनी चाहिए। ज्वेरी आप कुछ पूछना चाहते हो? मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, पूछे, आपने हैंड रेज किया था, आपका माइक अनम्यूट करने के लिए मैंने कह दिया आपको, आप कर सकती हैं अपना म्यूट, आपको इजाजत दे दिए। जी सर, मेरे चैट में मैसेज सेंड नहीं हो रहा। आपकी चैट से मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा, लेट मी चेक चैट सेटिंग्स। आपने चैट में प्राइवेट का ऑप्शन ऑन किया हुआ है? नो सर। आपको मेरा मैसेज शो हो गया? यस सर। हाँ, तो आप इसको रिप्लाई करेंगे, आपको मेरा मैसेज आ जाएगा, आप मुझको भेज पाएंगे, आप इसको रिप्लाई कर देंगे। ओके जी, तो नहीं, मैसेज तो हर स्टूडेंट भेज पा रहा है, इट इज नॉट। हफ्जा ने भी कहा है कि शी इज अनएबल टू सेंड मैसेजेस, मैंने सबको ऑन किया हुआ है वैसे तो। हफ्जा आपको भी मैंने एक मैसेज भेज दिया है, अब आ रहा होगा। चले ओके हो गया जी, हफ्जा आपका भी ओके हो गया, जुवेरिया आपका भी ओके हो गया, ओके जस्ट चेक इट। ओके नेक्स्ट आते हैं जी हम, तो अब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है ये भी सीखेंगे, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम कैसे बनाते हैं ये भी कर देंगे। तो द ऑफिस कॉट फायर, ऑल द फर्नीचर वॉज बर्न टू एशिस। ऑफिस को आग लग गई, सारा फर्नीचर जल गया, राख हो गया। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है कि एब्सोल्यूट का मतलब याद रखिएगा कंप्लीट, कि जब कोई नाउन अपने साथ स्पेशली हैविंग वगैरह लेके कंप्लीशन शो करता है किसी एक्शन की, वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, लेकिन वो क्लॉज नहीं होता, होता वो नाउन के तौर पर ही, एक तरह की नाउन फ्रेज ही है, वो नाउन फ्रेज ही होती है एक तरह की। द ऑफिस हैविंग कॉट फायर, द ऑफिस कॉट फायर, द ऑफिस सब्जेक्ट कॉट वर्ब, द ऑफिस हैविंग कॉट फायर क्लॉज नहीं है जी। कैसे पता लगा क्लॉज नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं आया। द ऑफिस सब्जेक्ट चलो ठीक है, हैविंग कॉट वर्ब नहीं है। क्या कभी आपने हैविंग प्लेड, हैविंग कॉट, हैविंग टॉट, हैविंग ईटन जुमले के मेन वर्ब के तौर पर आज तक देखे? तो हैविंग कॉट हमारा जुमले का वर्ब ही नहीं। तो ये एक सिंपल नॉमिन, इसको हम कहते होते नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, के ये काम पूरा हो चुकने को, एब्सोल्यूट कंप्लीट। ऑल द फर्नीचर वॉज बर्न टू एशेज, के ऑफिस को आग लग चुकने के बाद सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया, हर चीज जलकर राख हो गई, ठीक हो गया जी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माय डियर एसन, नाउन जब अपने साथ हैविंग लेकर कंप्लीशन दे रहा होता है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, कोई भी नाउन। जैसे अली हैविंग ईटन, मतलब अली खा चुकने के बाद, तो ऑफिस हैविंग कॉट फायर, ऑफिस में आग लग चुकने के बाद, ये एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। हम इसको भी लगा के बना सकते हैं, ऑल्दो ये स्ट्रक्चर बहुत कम यूज होती है, हैविंग वाली स्ट्रक्चर आजकल इंग्लिश में हैविंग हैविंग बीन वाली बहुत कम यूज होना शुरू हो चुकी है जी। अच्छा जो हैविंग है ना हफ्जा, ऐसा है कि हैविंग असल में कंप्लीशन को शो करता है, हैविंग मतलब ये हो चुकने के बाद, Having eaten, खा चुकने के बाद, Having played, खेलने के बाद, तो वो असल में completion को show करता होता है, ठीक है जी। तो unmute करना है जी हफ्जा को, where is हफ्जा, एक सारे participants ही खोल लेता हूँ। जी हफ्जा आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, बोलें क्या कहना है। सर मुझे कहना है कि जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें हम यूज करते हैं हैज हैव हैड, पर हैविंग नहीं करते। यहाँ पर ये सर हैविंग नहीं करते, तो मुझे वही डिफरेंस पता करना है, उनमें भी हम तभी करते हैं जब कोई चीज हो चुकी हो,
गुड 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 ठीक है. और इसमें भी तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट है, वो भी कंप्लीशन शो करते हैं, लेकिन वो कंप्लीशन शो करते हैं सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ. आई हैव टॉट, आई हैड टॉट बिफोर यू केम, एंड आई विल हैव टॉट. सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, लेकिन जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाउन को बता रहा होता है कि इस नाउन के साथ ही एक्शन कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं देता. ये डिफरेंस है. आई प्लेड, आई सब्जेक्ट प्लेड वर्ब, आई हैव प्लेड, आई सब्जेक्ट, आई हैव प्लेड वर्ब. लेकिन द ऑफिस सब्जेक्ट है तो हैविंग कॉड वर्ब नहीं है, क्योंकि हैविंग को आपने, हैविंग थर्ड फॉर्म को आज तक आपने मेन वर्ब के तौर पर कभी किसी टेंस में नहीं देखा. इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स जस्ट आप यू कह सकते हैं कि हैविंग हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कंप्लीशन को शो कर रहा है. और हैज हैव के बाद जैसे थर्ड फॉर्म आती है, तो हैविंग के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आती है. जैसे हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ही रखता होता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. ये आप डिफरेंसेस के बारे में ध्यान में रख सकते हैं. ठीक हो गया जी. चले, आई रेड द बुक, मैं आपको एग्जाम आपसे काम करवाता हूं. आई रेड द बुक, आई गॉट एन आइडिया फ्रॉम इट. जरा बनाए, आई रेड द बुक, रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है जी, मैंने सेकंड फॉर्म बोली है. आई रेड द बुक, देखो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, आप लगा भी सिर्फ वहीं सकते हैं जहां काम कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट का मीनिंग देता है कि काम कंप्लीट है. हैविंग रेड द बुक, आई गॉट एन आइडिया. जी आप हफ्जा मैसेज करके पूछ लें, नो इशू. हैविंग रेड द बुक, आई गॉट एन आइडिया. यस, हैविंग रेड द बुक, आई गॉट एन आइडिया. वेरी गुड जवेरिया, आपने बिल्कुल ठीक किया. देखिए, जो काम कंप्लीट हुआ है मैंने उसको क्या नाम लेते हैं, एब्सोल्यूट कर दिया हुआ है. ठीक है जी, आगे हम जो है वो लेकर जुमले को बढ़ रहे हैं जी. स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप साथ नोट करते रहे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये लेक्चर लाजम कंप्लीट भी हो और टाइमली कंप्लीट हो. बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लेना, ठीक है, 15-20 मिनट हम ऊपर लेंगे. इसलिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है मैं दरमियान में लेता भी रहूंगा, लेकिन ज्यादा ब्रेक भी नहीं मैं मारना चाह रहा. आप नोट कर लें, बेशक मुझे वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर दिया करें, कुछ भी है. आई हैविंग रेड द बुक आया जी, आई गॉट द आइडिया. ना फराज, ये गलत हो गया आपका. फराज, आई हैविंग रेड द बुक में मसला क्या आया? आई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एंड आई गॉट द आइडिया. आप ये कर सकते थे, आई हैविंग रेड द बुक कॉमा आप लगा सकते थे गॉट द आइडिया. आई दो मरतबा नहीं लगा पाएंगे आप, ये आई का दो मरतबा. और दूसरी चीज, आई हैविंग रेड द बुक कोई क्लॉज ही नहीं है. आई सब्जेक्ट मैंने बोला, हैविंग रेड वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब आएगा तो क्लॉज है. जब क्लॉज ही नहीं है तो उसको आप दूसरी क्लॉज से जोड़ेंगे कैसे? एंड जो है वो जोड़ेगा, लेकिन उसकी अगर एक साइड पर क्लॉज है तो दूसरे साइड पर भी क्लॉज ही होगी. अब ये नहीं कर सकते कि दूसरे साइड पर क्लॉज ही नहीं तो आप जोड़ दें, तो वो आपका सेंटेंस थोड़ा सा फॉल्टी है. फ्राज, आई हैविंग रेड द बुक एंड आई गॉट द आइडिया, एक्यूरेट सेंटेंस नहीं है. चले जी, आगे बढ़ते हैं. हमारे पास आ चुका है जी, By using adverb or adverbial phrase, ये भी सीखते हैं. He was injured mercilessly. तो आप injured दो मरतबा, एक injured निकाल दें, आप mercilessly उसके अंदर extra, mercilessly इधर ले जाए. He was injured mercilessly. बात तो वही है. और देखो जुमला कितना छोटा हो गया, अब words कितने कम हो गए. He was injured mercilessly. चले आपको और example देता हूं. I like to read books. I read them passionately. आज का सारा लेक्चर, और यही तो लेक्चर का मजा है कि आप लोगों से साथ साथ प्रैक्टिस करवाई जा रही हो. I like to read books. I read the books passionately. ले जी, आंसर्स आ गए जी. I read the books passionately. आप बेशक like भी रख लें, I like to read the books passionately. जुमला फिर भी काफी छोटा हो गया. लाइक को भी, आई लाइक टू रीड द बुक्स पैशनेटली. वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड एसन, जबरदस्त. अफजा आपका भी ठीक है, बस लाइक आप एंटर कर लें अंदर और तो और अच्छा हो जाएगा. वेरी गुड विनोद साहब, जबरदस्त.
आई रीड द बुक्स, लेकिन बेटर है कि लाइक को भी ऐड कर ले। ये प्रेसी में हम सीख रहे होंगे कि कोशिश करनी है कि आइडिया मिस ना हो, सेंटेंस छोटा हो जाए, आइडिया मिस ना हो, सेंटेंस छोटा हो चुका हो। मैं भी आप लोगों की बेसिक्स ही बिल्ड कर रहा हूं उस बारे में। लेकिन आप प्रेसी के अंदर ना लाइक वैसे मिस कर सकते हैं, जब प्रेसी राइटिंग हम सीखेंगे कि चलो वर्ड्स और कम कर लेते हैं कि लाइक मिस हो भी गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई लाइक रीड द बुक्स, फ्राज थोड़ा सा गलती हो गई, आई लाइक टू रीड द बुक्स। देखो दो वर्ब इकट्ठे नहीं लगाने इस तरह, ठीक है। आई लाइक प्ले क्रिकेट नहीं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आप फिर एक अगला वर्ब इन्फिनिटिव। आई केम टीच नहीं, आई केम टू टीच, जो सेकंड वर्ब है उसको इन्फिनिटिव या जेरंड वगैरह में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जी रुबाब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं शायद, चलें आप ने पहली बार हैंड रेज किया तो आपको म्यूट अनम्यूट कर रहा हूं। जी रुबाब आपको अनम्यूट करने के लिए मैं आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। जी सर मैसेज सेंड नहीं हो रहा चैट में, बाकियों के हो रहे हैं तो आपका भी होना चाहिए। लेट मी सी, अगर ना हो रहा हो तो आप बेशक मुझे बता दिया करें। यस जैसे आपने बताया हैंड रेज करके, अब आपको मैसेज चला गया, अब रिप्लाई आप कर पाएंगी। वैसे आज मैं सेटिंग्स देखूंगा कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि बाकी तो सारे लोग कर रहे हैं, बड़े ओपनली कर रहे हैं, किसी को इशू नहीं आया। आयशा बशीर ने भी हैंड रेज किया है। आयशा कहीं आपके साथ भी तो ऐसा मसला नहीं है? सर मेरा भी सेंड नहीं हो रहा। नहीं आयशा आपको भी मैं ना जब मेरी तरफ से आपको चला जाएगा ना मैसेज तो आप कर पाएंगे। अब आप कर पा रहे होंगे मैसेज, देखें आप मुझे करके देखें एक बार मैसेज। चलें जी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयशा एंड रुबाब आप दोनों जरा मुझे मैसेज करके देखें कि ना आप कर पा रहे मैसेज के नहीं कर पा रहे। रुस्तम ने भी हैंड रेज कर दिया है। रुस्तम आपके तो मैसेजेस आ रहे थे मुझे, अच्छा देखते हैं किस किस ने हैंड रेज किया है। रुस्तम बोले आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए कह दिया हुआ है। सर मैसेज नहीं आ रहा है। अच्छा आपकी तरफ से भी नहीं हो रहा तो रुस्तम मैं आपको भी मैसेज कर देता हूँ। ठीक है सर कोई इशू नहीं। वेयर इज रुस्तम, रुस्तम रुस्तम एक काम करते हैं मैसेज को छोड़ते हैं, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसका नजायज फायदा ना उठाया जाए। आप लोग मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ पहले आप लोगों को। यस और अब आप लोग ना सारे अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, तमाम लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। जब मर्जी आप अनम्यूट करना चाहेंगे आप बकायदा डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं, मैंने आप लोगों की सेटिंग्स ही जो है वो ठीक कर दी हुई है। ले जी अब आप सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, कोई इशू नहीं। दोबारा बोलिएगा क्या कह रहे हैं आप। देखिए अनम्यूट करने का एक नुकसान होता है सबको कि वो अपने आप को फिर म्यूट रखते नहीं है। मैं एक बार आप सबको म्यूट कर रहा हूं लेकिन इस अलाउंस के साथ कि आप जब मर्जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चले जी आगे बढ़ते जल्दी से। अब बाय यूजिंग टू प्लस एडजेक्टिव स्लैश एडवर्ब, कि आप टू लगा के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ फिटिंग करके भी सेंटेंस का सिंथेसिस कर सकते हैं। शी इज वीक, शी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। शी इज वीक, शी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। देखिए स्टूडेंट्स आपको यहां जो मसला आ रहा है कि शी इज वीक वो कमजोर है, शी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, तो हमें इसको ऐसे कर लेना है कि इन्फिनिटिव लगा के अंदर गुजार देना है। शी इज टू वीक टू अटेंड द मीटिंग, टू वीक टू अटेंड। जब मैं टू गौर करना है, स्ट्रक्चर पे गौर करना है, टू प्लस ये एडजेक्टिव आ गया वीक और आगे मैंने इन्फिनिटिव दे दिया है टू अटेंड, तो बच्चा पार्टी ये आपका बेसिकली मीनिंग यही बना कि वो इतनी कमजोर है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगी, मतलब वो आज बहुत कमजोर है, थकी हुई है। शी इज टू वीक टू अटेंड द मीटिंग। चले आपसे बनाता हूं। ही सिक, ही कैन नॉट कम। ही सिक, ही कैन नॉट कम, जरा इसको इसी सेटर से जोड़े। वो बीमार है, वो नहीं आ सकता। ही इज टू सिक टू कम, वेरी गुड मदर। ही इज टू सिक टू वॉक। He is too sick to walk. He is too weak to walk. वो आपने पढ़ा ही हुआ है बहुत ज्यादा। He is too weak to walk. He is too sick.
आप कह सकते हैं टू रन. गौर करें डिफरेंस, आपको जो समझ नहीं आ रहा आपने बोला था क्या नाम लेते हैं जवेरिया, देखें मीनिंग वही है. ही इज वीक, ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग. कमजोर है, मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता. मैंने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके क्या कर दिया, ही इज टू वीक टू अटेंड द मीटिंग. वो इतना कमजोर है कि मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता. याद रखिएगा जब टू प्लस एडजेक्टिव, वीक एडजेक्टिव है, वीक मैन, वीक पर्सन, और आगे इन्फिनिटिव आ जाए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, तो नॉट का मीनिंग देती होती है. टू वीक इतना कमजोर टू अटेंड के मीटिंग अटेंड, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर के चल नहीं सकता. ओके, ही इज वेरी डल पर्सन, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. जरा बनाए इसको छोटा करें. ही इज वेरी डल पर्सन, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट. He is too dull to understand the point. जबरदस्त, ब्रेवो जवेरिया बच, आपने बहुत जबरदस्त किया. He is too dull to understand. इतना dull है कि वो understand कर ही नहीं सकता. तो देखिए आपको जुमला छोटा करना आ गया, आपको उसकी टेक्निक आती जा रही है, और that is really a great delight to me. ठीक है जी. Sir, is this important to use to? अच्छा, to हमने use किया है, असल में लाजम है ये use करना, के असल में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव ही नॉट का मीनिंग देता है. आप टू के बगैर नहीं लगा सकते. अगर आप कहते ना ही इज वेरी वीक टू अटेंड द मीटिंग, तो गलत हो जाएगा. ही इज वेरी डल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, गलत हो जाएगा. आपको टू ही लगाना है. नेगेटिव मीनिंग देने के लिए टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव ही लगाना है. नहीं लगाते मीनिंग ही नहीं बनेगा, आपका ग्रामेटिकली जुमला गलत हो जाएगा. और एक और चीज, चलो ग्रामर की एक आइटम आपने पूछ ली, तो मैं इसको ग्रामर का पॉइंट ले लूं. अगर आपने नेगेटिव मीनिंग ना देना हो तो फिर टू वीक नहीं कहना, इज वेरी वीक फुल स्टॉप. फर्ज करो जुमला खत्म हो रहा है वेरी वीक पर, फुल स्टॉप, क्योंकि आपने नॉट का तो मीनिंग नहीं दे रहे. वो ही इज वेरी डल, फुल स्टॉप. अब टू नहीं लगाना. हाँ, आप ये कहना चाह रहे कि इतना डल है कि वो ये काम कर नहीं सकता, तो अब टू लगाएं, इज टू डल टू अंडरस्टैंड. लेकिन आप नॉट का मीनिंग नहीं देना चाह रहे, तो आप टू नहीं लगाएंगे, आप वेरी लगाएंगे. आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी. वेलकम सुजान, वेलकम. He is very dull to understand the point. ये गलत है जवेरिया, अभी मैंने आपको ये बताया, शायद आपने मेरे बताने से पहले लिखा था. माइक साहब आप अपने ऑन कर सकते हैं, वैसे मैंने इजाजत दी हुई है. ओके जी, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ का इस्तेमाल करके, आप इनफ का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं. प्रैक्टिस देखते हैं, क्योंकि रूल से बात नहीं समझ आती, बात प्रैक्टिस से समझ आती है. ही इज रिच, ही कैन अफोर्ड दिस कार. अली इज रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार. देखो हमने रिच इनफ कर दिया, रिच इनफ इतना अमीर है कि ये कार अफोर्ड कर सकता है, और आगे इन्फिनिटिव लगा दिया. रिच इनफ इन्फिनिटिव, जैसे टू प्लस एडजेक्टिव के साथ इन्फिनिटिव था, रिच इनफ के साथ भी इन्फिनिटिव है. ऐसे ही आप जब भी इनफ लगाते हैं ना, तो आप इन्फिनिटिव लाजम दे रहे होते हैं, ताकि मीनिंग कंप्लीट हो जाए. चले मैं और करता हूं, आपको जुमला देता हूं. ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. He is very intelligent. आप माइक ऑन करके या वैसे बता सकते हैं. जी जी. He is very intelligent and can easily. अच्छा, आपने he is very intelligent and can solve the problem. आपने ना असल में जुमला कंबाइन किया है. मैंने कहा इस टेक्निक से, इनफ की टेक्निक से बनाए. इनफ की टेक्निक से जुमला और छोटा हो जाएगा. जी जी. He is intelligent enough to solve the question. Very good. He is intelligent enough to solve the question. वो इतना intelligent है कि सवाल हल कर लेगा. He is intelligent enough. He is rich enough to afford this car. इतना अमीर है कि कार अफोर्ड कर लेगा. Very good, जबरदस्त. तो देखिए जुमला कितना छोटा हो गया. He is intelligent enough to solve the problem. हमारे सिर्फ 7 words रह गए, और पहले कितने थे? He is intelligent. He can solve the problem. 9 थे, 7 रह गए. तो ये हम टेक्निक से हमें वर्ड्स कम करने में भी हेल्प कर रही है, और हमें सेंटेंस की वैरायटी, सबसे अहम चीज कि हम एक ही तरह के जुमले नहीं बना सकते कि सिंपल लिखी जाए ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. हमें वैरायटी लानी है, और ये वैरायटी लाने के लिए बड़ी जरूरी है ये चीजें, ये ग्रामेटिकल आइटम्स जो हम सीख रहे हैं आज. हम आज जो चीज सीख रहे हैं ये सबसे ज्यादा बल्कि अहम है, क्योंकि आपने अपना सारा कंप्रीहेंशन का पेपर, प्रेसी के पेपर के हिस्से में और ऐसे राइटिंग में आपको सेंटेंसेस की ही वैरायटी चाहिए. अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ रहे हैं जी, हमारे पास सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आ गई है. अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस याद रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकती है. हमने जो पीछे कितने भी रूल किए थे, ये सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे, और सिंपल सेंटेंसेस प्रेसी के लिए जरूरी है.
माइक अपने बंद कर लें, चलें, जिनका ऑन था मैंने बंद कर दिया। तो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको आप अभी तक बनाना सीख रहे थे, जिनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कॉम्बिनेशन था, बाकी सब फ्रेजेस थी उसके क्या नाम लेते हैं फ्रेगमेंट से, पार्ट से। अब हम जो काम करने जा रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नीचे दी भी हुई है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अच्छा मैंने इनका एक एक्रोनिम बनाया था ताकि आपको कभी भूले ना। किसी को याद है एक्रोनिम जब हमने कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने सीखे थे? फैन बॉयज, वेरी गुड। फैन बॉयज से एक फायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई भूलेंगी नहीं। फैन का एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट और एस सो। लो जी फैन बॉयज लफ्ज याद रहेगा, जिस आपको ये याद भी रह जाएंगे हमेशा के लिए। सब म्यूट है जी, वो दरमियान में असल में विनोद साहब जब कोई बात करने के लिए करता है ना, कोई आंसर देने के लिए, तो तब भी अपने आप को वो अनम्यूट करते हैं, तो अदरवाइज सारे म्यूट ही हैं। ले मैंने एक बार फिर भी म्यूट कर दी है, लेकिन सारे म्यूटेड ही थे, एवरीवन वाज म्यूटेड। दरमियान में तलाल जो थे उन्होंने अपनी वीडियो आई थिंक ऑन की हुई है, तो दाल बेशक आप अपनी वीडियो ऑफ ही रखें, बेटर है। और आगे बढ़ते हैं जी हम, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी जोड़ती हैं जी। ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, वो मेहनत करता है वो कामयाब हो जाएगा। अब इन कंजंक्शन में से हम कोई एक कंजंक्शन लेकर जोड़ सकते हैं। अच्छा फॉर का मीनिंग बिकॉज का होता है, इस सूरत में याद रखिएगा। फॉर का मीनिंग लेकिन का नहीं लेना या के लिए का नहीं लेना, फॉर का मीनिंग बिकॉज का होता है सूरत में, जब वो कंजंक्शन के तौर पर आता है, जोड़ता है जब वो चीजों को, वरना तो फॉर एक प्रेपोजिशन भी आपको पता है तब वो के लिए का मीनिंग देता है। ही वर्क्स हार्ड एंड ही विल सक्सीड, दो क्लॉजेज एंड से मिलकर एक नया, ये जो आपके अब आगे ना कोऑर्डिनेट बनाना, आगे आगे और भी सीखेंगे कंप्लेक्स बनाना भी, तो वो बच्चे बच्चे तो कह जाता हूं, दरमियान में कुछ मेरे जो हैं हम उम्र या बुजुर्ग भी हैं जी कुछ, तो याद रखिएगा ये बेसिकली सिर्फ वैरायटी के लिए, ये शॉर्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसमें जुमले की हम लेंथ शॉर्ट नहीं कर रहे होंगे। लेंथ शॉर्ट करना हमने पीछे सीखा है, यहां सीखा है जी, हमने लेंथ शॉर्ट की है जुमलों की, दो तीन मिलाकर एक बनाने की कोशिश की है। प्रैक्टिस में आपको मैंने बड़े मजे के जुमले दिए, ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ही वर्क्स हार्ड एंड ही विल सक्सीड, ही वर्क्स हार्ड सो ही विल, देखो सो भी लगाया जा सकता है, सो ही विल सक्सीड। एक चीज याद रखिएगा, जब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस दो क्लॉजेस जोड़ती हैं, देखो ही वर्क्स हार्ड भी क्लॉज हो जाएगी, ही विल सक्सीड भी क्लॉज हो जाएगी, कॉमा जरूर लेती है अपने सामने, जब ये क्लॉजेस जोड़ती हैं, वर्ड्स नहीं, असलम एंड, अकरम अब एंड से पहले कोई कॉमा नहीं देना, क्लॉजेस जोड़ेंगी दोनों, सिर्फ क्लॉजेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब्स हैं तो कॉमा आना है। पंक्चुएशन का इंशाल्लाह हमारा बड़ा डिटेल लेक्चर होना, पंक्चुएशन बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं सारों के लिए, बेशक वो प्रोविंशियल है या सीएसएस का है, उसमें आता है लाजमी तौर पर। तो मेरा दो घंटे का वैसे आपके मेरे चैनल पर आप लेक्चर देख सकते हैं, 2 आवर्स के, एक एक घंटे के दो पार्ट वन पार्ट टू पड़ा हुआ है। तो ये फैन बस जब जोड़ेंगे कॉमा जरूर लेंगे दो क्लॉजेस को। सर इनमें और कंपाउंड, ये कंपाउंड ही तो बने जवेरिया, आप ये कंपाउंड बने, ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड कंपाउंड है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब फैन बॉयज से जुड़ रही हो तो कंपाउंड बनता है। यही तो मैंने बताया था उस वक्त जब कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में हमने सीखा था कि जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ते हैं तो कॉमा क्यों यूज हुआ, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस फैन बॉयज से जुड़ेंगी, मतलब इन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, इन कंजंक्शन को बेसिकली कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, कॉमा जरूर देना है, ठीक है, बेशक सो लगाओ, ही वर्क्स हार्ड सो ही विल सक्सीड, तो सो लगा लें, बट या नॉर वगैरह तो नहीं आएंगे। अच्छा आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, ही डज नॉट हेल्प मी। अब देखो एक तरफ पॉजिटिव चीज है, मैं मदद करता हूं, एक तरफ नेगेटिव है, वो मेरी मदद नहीं करता, इसका मतलब दरमियान में अगर जोड़ेंगे तो नेगेटिव वर्ड ही रिक्वायर्ड है, तो बट नेगेटिव है, नॉर नेगेटिव है, तो नॉर तो होता है मजीद ना करने को, बट हमारा कंट्रास्ट देता है कि इधर हाँ है उधर ना है। आई ऑलवेज हेल्प हिम बट ही डज नॉट हेल्प मी, तो देखो बट से पहले भी मैंने कॉमा लगाया क्योंकि दोनों तरफ क्लॉजेज है।
फैन वर्स जब क्लॉजेस जोड़ते हैं तो कॉमा लेते हैं, याद रखिएगा ये पंक्चुएशन का रूल है। अच्छा असल में ये कॉमा ना अक्सर मिस कर दिया जाता है जवेरिया, आपको ये कॉमा ना लगाएं तो इतनी बड़ी गलती नहीं है। असल में मैं आपको मजे की चीज बताता हूं, मैं पंक्चुएशन के बारे में कह रहा होता हूं, ये पंक्चुएशन हमारी निचली जाति की ग्रामर है। अब आप कहेंगे कि मैं जो है इसमें कास्ट सिस्टम डाल दिया, तो यस कास्ट सिस्टम डाल दिया इसमें, ये निचली साइड की ग्रामर है। अक्सर पंक्चुएशन की आपने कभी इंपॉर्टेंस ली नहीं, ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस ली तो फुल स्टॉप की या क्वेश्चन मार्क की, या ज्यादा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। कॉलन कितनी मर्तबा आपने आज तक लिखने में यूज किया, सेमी कॉलन कितनी मर्तबा यूज किया है, पंक्चुएशन की कभी आप अहमियत लेते ही नहीं है। इसलिए अक्सर इवन बुक्स में राइटर्स ये कॉमा मिस कर जाते हैं, लेकिन ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली आना चाहिए, और मिस कर लिया जाए तो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं समझी जाती कि ठीक है जी कोई इशू नहीं है, हो गया। तो लेकिन अगर आपको पंक्चुएट करने का कहा जाएगा कि लो जी ये जुमला आ गया, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम बट ही डज नॉट हेल्प मी, ये जुमला आपको सीएसएस के पेपर में आ गया या पीएमएस के पेपर में या एसपीएस के पेपर में आ गया, आपको तब ये कॉमा लगाना है, क्योंकि तब आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको रूल्स के मुताबिक काम करना है। ठीक हो गया, गुड क्वेश्चनिंग जी, आगे बढ़ते हैं हम। मैं अच्छा सोचा था क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, लेकिन मैं फिर भी दिए जा रहा हूं ताकि बच्चों को कोई इशू ना हो। क्लियर हो गया, वेरी गुड, वेलकम जी, आपके थैंक यू का भी शुक्रिया। अच्छा जी नेक्स्ट आते हैं, यूज बाय यूजिंग। अच्छा मैंने इसकी प्रैक्टिस तो करवाई नहीं, प्रैक्टिस भी करवा लेते हैं, जुमला ले लेते हैं फौरन। जुमला लेते हैं, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, आई नो यू विल ऑल्सो हेल्प मी। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, आई नो, बल्कि यहां भी आई नो यू विल ऑलवेज हेल्प मी। बनाएं जी, यहां तो टाइप कर दें या बोल दें, बोले बोले। yes. अपने ना माइक्स बंद कर लिया करें अगर आपने बोलना ना हो लाजमी तौर पे। अच्छा जी मुझे आना शुरू हो गया आंसर्स, लेकिन मैं एक बार पार्टिसिपेंट सारे म्यूट कर दूं, क्योंकि कोई ना कोई शख्स फिर माइक ऑन करके भूल गया, लो जी म्यूटेड। मैं देखते हैं जी आपके रिस्पॉन्सेज, आज हमने प्रैक्टिस साथ साथ की है क्योंकि आज का टॉपिक ट्रिकी था। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम बट आई नो यू विल हेल्प मी। अच्छा यहां ना बट नहीं लगाना, बट आता है जब कंट्रास्ट हो रहा हो, कि पीछे जो कहा जा रहा है आगे उसके कुछ उल्टा हो रहा हो। जैसे यहां बट लगाया था कि मैंने उसकी हमेशा मदद की, वो मेरी मदद, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता। यहां या तो सो लगाएंगे या एंड लगाएंगे। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू एंड आई नो यू विल ऑल्सो हेल्प मी, या आप कहेंगे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू सो इसलिए आई नो दैट यू विल ऑल्सो हेल्प मी, या फार लगा ले, फार बिकॉज का मीनिंग देता है। फार आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, फॉर मतलब बिकॉज आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, फॉर आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू कॉमा, अब आगे अंदर कोई कंजंक्शन नहीं आएगी क्योंकि फॉर शुरू में आ चुका है, अब अंदर कुछ नहीं आएगा। फॉर आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई नो यू विल ऑल्सो हेल्प मी। लो जी आप इस तरह जोड़ लें तो वेरी गुड जी, आगे बढ़ते हैं हम। बस एंड होने वाला है लेक्चर, दो तीन स्लाइड्स पड़ी हैं सिर्फ, तो मुझे पता है हम 1 आवर से एक्सीड कर गए हैं, पर कोई इशू नहीं। इफ ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है जी, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी जब क्लॉजेस मिलाती हैं तो हमारा जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा होता है जी। वेरी गुड, जबरदस्त रुस्तम साहब, तलाल आपका भी बिल्कुल ठीक है। इफ दो ऑल दो व्हेन व्हाइल अनलेस टिल आफ्टर बिफोर एज सून एज, यहाँ एज क्योंकि और चूंकि का मीनिंग देता है, रखेगा ये जो एज अकेला लिखा है, एज सून एज जूही का मीनिंग देता होता है, जूही जैसे ही। तो नेक्स्ट आ गया इफ, इवन इफ, व्हेन एवर, बिकॉज, एज इफ, एज दो, अनलेस, ये ज्यादा है इसलिए इनका कोई फैन बॉयज नहीं बनना, आप बना सकते हैं तो बना ले, ये बहुत ज्यादा है तादाद में, एटसेट्रा भी लिखा है, मतलब और भी है, लेकिन ज्यादा कॉमनली ये यूज होती है। जब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करती है ना, तो याद रखिएगा जो जुमला बनता है वो कंपाउंड भी बनता, कंप्लेक्स बनता है। देखो, ही ट्राइड मेनी टाइम्स, ही फेल्ड इन द एंड, ऑल्दो ही ट्राइड मेनी टाइम्स, ही फेल्ड इन द एंड, ऑल्दो ने जोड़ा, ऑल्दो एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, तो जहां सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लग गई वो क्लॉज भी सबॉर्डिनेट हो गई। लो जी आज आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का या सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का, देखो सीएसएस के पेपर में अगर आपको क्लॉजेस आ जाती हैं, आपको बताया पूछता है वो,
कि जी ये क्लॉज कौन सी है, तो आपको पहचानना आसान हो गया जी, जिसके साथ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगी है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, बात ही खत्म। ऑल्दो ही ट्राइड मेनी टाइम्स, सबॉर्डिनेट है। कैसे पता लगा क्लॉज सबॉर्डिनेट है? सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है साथ, क्लॉज डिपेंडेंट ही है जी, डिपेंडेंट भी कहते होते हैं हम उसको, सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं एक ही। क्यों सबॉर्डिनेट है? देखो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा, ऑल्दो ही ट्राइड मेनी टाइम्स फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे, अगर जो उसने कई मरतबा कोशिश की मैं फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा, अगर जो उसने कई मरतबा कोशिश की बात ही पूरी नहीं हुई। हाँ ही फेल्ड इन द एंड, वो आखिर में फिर भी नाकाम हो गया, ठीक हो गया जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो कंपाउंड नहीं बन रहा, कंप्लेक्स है, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पर जोड़ लिया हमने दोनों जुमले, वो फैन वॉइस से जोड़े थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से। नेक्स्ट सेपरेट सेंटेंसेस है, ही इज अ लायर, एवरीबॉडी नोज इट, एवरीबॉडी नोज इट दैट ही इज अ लायर, दैट जो है, देखो दैट ही इज अ लायर को मैं अलग करता हूं, दैट ही इज अ लायर क्या फुल पूरा आ सकता, के वो एक झूठा है, के वो एक झूठा है, मैं अलग करके तो नहीं लिख सकता के वो एक झूठा है, इसलिए दैट ही इज अ लायर हमारी एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, क्लॉज क्योंकि सब्जेक्ट वो आ गया, ही इज है सबॉर्डिनेट, तो साथ एक इंडिपेंडेंट है, एवरीबॉडी नोज, हर शख्स जानता है, तो ये हमारा बन गया। अच्छा आप लोगों से भी एक जुमला बनवा लेता हूं, बेटर रहेगा। जुमला है, यू विल नॉट पास द एग्जाम, यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जाम इफ यू नो, जी जी बोले बोले, इफ यू वर्क हार्ड यू डू नॉट पास द एग्जाम, नहीं थोड़ा सा मीनिंग खराब कर दिया आपने, यू विल नॉट पास द एग्जाम इफ यू डोंट वर्क हार्ड, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट जी, दैट इज करेक्ट। देखिए आपका यहाँ मसला क्या हुआ कि यू डू नॉट यूज एज एज वेल, हाँ एज भी लगा सकते हैं, एज यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते, एज लगा सकते हैं, एज यू डू नॉट वर्क हार्ड You cannot pass the exam. As के साथ भी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। If you do not work hard, you will not pass the exam के साथ भी ठीक है। As के साथ बल्कि ज़्यादा अच्छा है। ये और भी अच्छा है। उसकी reason, क्योंकि उसमें meaning ज़रा से, देखो you do not work hard, तुम मेहनत नहीं करते, तुम पास ही नहीं होगे। तो as you do not work hard, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते, पास नहीं होगे, ज़्यादा अच्छा है। If you do not work hard से थोड़ा सा मीनिंग में शिफ्ट भी आया है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, वो थोड़ा सा मीनिंग में भी शिफ्ट है, एज के साथ बल्कि वेरी गुड, आपको मैं प्रेज करूंगा, आपने ज्यादा अच्छा बनाया। सर कैन, यस आप बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, सुजान वेरी गुड, आप बिकॉज भी, ज्वेरिया आपका यू विल नॉट पास बिकॉज, ज्वेरिया ने बल्कि बनाया बिकॉज के साथ है, यू विल नॉट पास द एग्जाम बिकॉज यू डू नॉट वर्क हार्ड, रियली गुड जी, दैट्स रियली गुड। अनलेस भी यूज कर सकते हैं, अनलेस के साथ भी ना इफ वाला काम होगा, क्योंकि अनलेस भी शर्त ही देता है, जैसे इफ देता ना शर्त कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड भी यही कह रहे हैं, अनलेस के साथ दोबारा नॉट नहीं लगाते होते उसी से में, अनलेस यू वर्क हार्ड का भी मीनिंग है जब तक मेहनत नहीं करोगे, हम तो कह रहे हैं मेहनत करते ही नहीं हो, तो बेटर है बिकॉज या एज के साथ ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छी। चल आपका हो जाएगा, जुमला आपने बना लिया लेकिन मीनिंग को थोड़ा सा शिफ्ट करा गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं जी हमारी, आई होप ये लास्ट स्लाइड है, बाय यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव आज आप कंजंक्शन का टॉपिक भी साथ साथ थोड़ा सा लेके चल पड़े, ये दरमियान में मैं माइक सबके बंद करता हूँ, कोई शायद आपस में माइक ऑन करते हैं, बच्चे मुझे आंसर करने के लिए तो ऑफ करना भूल जाते हैं, खैर वक्त के साथ आपको आइडिया हो जाएगा, अभी शुरू शुरू की आप क्लासेस ले रहे हैं तो जैसे आप क्वेश्चन पूछा करें माइक ऑफ कर लिया करें, ठीक है। मैंने माइक जो लिया हुआ है दैट इज बेसिकली बोयाज माइक, तो ये एक साउंड अब्जॉर्बर है, मेरी आवाज के अलावा इर्द गिर्द की कोई साउंड आप तक नहीं पहुंचाएगा, बेशक मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा हॉर्न भी बज रहा हो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी सेटिंग्स ऐसी हैं, वो नाउस बाकी हर साउंड को फिल्टर कर देगा, लेकिन आप लोग जाहिर है एक सिंपल हैंड फ्रीज या दूसरे माइक्स यूज कर रहे होंगे या हेडफोन्स, तो वो फिर इर्द गिर्द की आवाजें कैच फौरन करके मुझ तक या क्लास तक पहुंचा रहे होते हैं। ओके कोरिलेटिव कंजंक्शन पे आते हैं, तो बोथ और एंड का पेयर है जी, ये पेयर में होती है, बोथ असलम एंड अक्रम, देखो पेयर में आती है ये, आइदर और का पेयर, आइदर असलम और अक्रम, नीदर नॉर, अच्छा इसको आइदर और भी पढ़ते हैं, नाइदर नॉर भी और इधर और नीदर नॉर भी, Not only का but also जब as well से पे, not only he plays, does he play well, but also he works hard, weather का और से पेयर, either का भी और से था, weather का भी और से, just as का so too से पेयर, अक्सर
इसमें जस्ट और टू उड़ा दिए जाते हैं. हम कहते हैं ना एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप. वो पूरा जुमला नहीं है, वो पूरा जुमला ऐसे जस्ट एज यू सो सो टू शैल यू रीप. अक्सर हम जस्ट और टू उड़ा देते हैं, आम बोलचाल में लिखने में आजकल मिस होना शुरू हो गया और हम उसको ठीक ही मानते हैं, लेकिन पूरा पेयर जस्ट है सो टू का है. नो सुंदर का देन से पेयर है, नो अदर का भी देन से, देन टी एच ए एन वाले से. नो सुंदर का मीनिंग होता है जू ही. नो सुंदर डिड आई सी द ट्रेन, आई रैन टू बोर्ड के, जू ही मैंने ट्रेन देखी, मैं उस पर चढ़ने के लिए भाग खड़ा हुआ. हार्डली स्केसली का वेन या बिफोर से पेयर है, पर वेन ज्यादा यूज होता है. हार्डली का मतलब भी मुश्किल. Hardly had I reached the station when the train left, के बमुश्किल में स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी निकल खड़ी हुई, गाड़ी निकल पड़ी. ये पेयर्स हैं जिनके पेयर्स याद करने पड़ेंगे आपको. कंजंक्शन का टॉपिक आना है हमारा सेंटेंस करेक्शन का, तो तब ये सारी अपारी लेदा लेदा आएंगी भी इंशाल्लाह. तो he has got success, he helps others to be successful. हमने जोड़ना है कोरिलेटिव कंजंक्शन से, तो देखो कैसे जोड़ा. Not only has he got success, कि ना सिर्फ उसने कामयाबी हासिल की है, बट ही ऑल्सो हेल्प अदर्स टू बी सक्सेसफुल, बल्कि वो दूसरों की भी मदद करता है कामयाब होने में. देखें, अब हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो पहली क्लॉज के साथ नॉट ओनली लगा दिया, दूसरी के साथ बट ऑल्सो लगा दिया, हमारी दोनों क्लॉजेस जुड़ गई. मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन से क्लॉजेस जुड़ती हैं तब भी जुमला कंपाउंड ही रहता है, वो दोनों इंडिपेंडेंट ही रहती हैं, तब भी जुमला कंपाउंड ही रहता है, ये याद रखिएगा. कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ने की सूरत में भी. अच्छा, एक मजे की बात होने जा रही है, शायद किसी ने क्वेश्चन भी वही पूछा हो. इनवर्जन का रूल भी बता दें. वेरी गुड एहसन, यही बात मैं करने वाला था. एहसन, आप जरा माइक ऑन करके बताएं आप करते क्या हैं. आपके अक्सर ग्रामर के क्वेश्चंस मेरी एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल पूरा उतरे होते. टीचर एक्सपेक्ट करता है यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए. मैं कहने लगा था ना, यहाँ एक मजे की बात है, शायद बच्चे ने वही क्वेश्चन पूछा हो, एंड दैट क्वेश्चन वाज देयर. सर ओनली कैट. जी जी, एमडी कैट. एमडी कैट, कहीं आप एमडी कैट के मेरी स्टूडेंट तो नहीं है, कहीं और से पढ़ रहे हो एंट्रेंस टेस्ट के? आपका स्टूडेंट सर. दैट्स गुड, ठीक हो गया एसन, ठीक हो गया. चले, अच्छा देखें एसन, आई एम डिलाइटेड जब कोई भी बच्चा परफॉर्म करता है, कोई भी लर्नर, तो और अच्छा लगता है. अपना स्टूडेंट पढ़ाया परफॉर्म करे और अच्छा लगता है, क्योंकि इसका तो चीजें इसको आ रही हैं. देखें, नॉट ओनली के साथ हैज हमने बाहर निकाल लिया, जुमला था ही हैज गॉट सक्सेस, लेकिन जब मैंने नॉट ओनली लगाया, गौर करें, जब मैंने नॉट ओनली लगाया, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं जल्दी से ताकि आप लोगों को उधर पेन से हाईलाइट करके दिखाऊं, कि जब मैंने नॉट ओनली लगाया तो हैज ही गॉट किया है, He has got नहीं किया, हालांकि जुमला तो था he has. वो he has को मैंने कन्वर्ट करके क्या कर दिया है, has ही. तरतीब सवालिया कर दी, यू कह ली. इसको इन्वर्जन कहते होते हैं जी, सवालिया जुमले को हम इन्वर्टेड सेंटेंस कह रहे होते हैं. आई हैव प्लेड क्रिकेट सिंपल है, have I played cricket इन्वर्टेड है, इंट्रोक्टिव हो गया तरतीब. मैंने इसकी तरतीब इंट्रोक्टिव क्यों की, इन्वर्जन क्यों की, याद रखिएगा ये एक रूल है, और भी इन्वर्जन के रूल्स आएंगे. जब भी कोई नेगेटिव वर्ड कोई जुमले के शुरू में आ रहा हो, नेगेटिव वर्ड, नेवर हो, नॉट ओनली हो, नो सूनर हो, नो अदर हो, हार्डली स्केसली भी नेगेटिव है, वो मुश्किल ना होने के बराबर मीनिंग देते हैं, याद रखें जुमले की इन्वर्जन होगी. शुरू में हो क्लॉज के, इन्वर्जन होगी. इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, दैट इज वाई इन्वर्जन किया माय डियर. तो ऐसा ना आपका इन्वर्जन आ गई. अच्छा जवेरी, आपने कहा कि देन क्यों लगा है नो अदर नो सुंदर के साथ, ये फिर देन कंपैरिजन का मीनिंग नहीं देता. जवेरिया, जब नो सुंदर और नो अदर के साथ देन आता है तो वो कंपैरिजन का मीनिंग नहीं देता. नो सुंदर आई सा द ट्रेन, आई रैन टू कैच इट. तो नो सुंदर आई सा द ट्रेन गलत है, नो सुंदर डिड आई सी. नो सुंदर जुमले के शुरू में आ गया था, इन्वर्जन होनी होनी थी. तो आई सा की इन्वर्जन क्या है, डिड आई सी. तरतीब सवालिया करनी है ना, इन्वर्जन कहते हैं सवाल तरतीब को. तो उन्होंने सुना डिड आई सी, कितनी मजे की ग्रामर पता लग रही है आपको. अभी तो ग्रामर के बहुत सारे पर्दे उठने हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा हम ग्रामर पर, मैं कह रहा हूं पंजाबी में कि टाकियां मार रहे हैं, अभी तो उसके ऊपर सिर्फ कपड़ा मार के साफ कर रहे हैं, पूरी ग्रामर तो चमकानी है अभी हमने. तो देन वहां वो मीनिंग नहीं देता,
देन तभी का मीनिंग दे रहा होता है, टाइम टाइम का मीनिंग देता है। चलें अगला जुमला देखते हैं। यहां तो मैंने नॉट ओनली को जुमलों के शुरू में लगा दिया था ना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को जुमलों के शुरू में लगा दिया था, मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को जुमलों के अंदर भी लगा सकता हूं। ये देखें, ही हैज नॉट ओनली गॉट सक्सेस, देखो वही जुमला, ही हैज गॉट सक्सेस, ही हेल्प्स अदर्स टू बी सक्सेसफुल, एक दूसरे तरीके से, ही हैज नॉट ओनली गॉट सक्सेस बट ही ऑल्सो हेल्प्स अदर्स टू बी सक्सेसफुल। देखो अब मैंने नॉट ओनली अंदर रखा है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, नॉट ओनली के बाद भी वर्ब है गॉट, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होगा, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है हेल्प्स। देखो बट के बाद वर्ब नहीं आ रहा था तो मैंने ऑल्सो अंदर कर दिया जुमले के, ताकि वो वर्ब के पास चले जाए, ताकि ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट्स हो, कि नॉट ओनली के बाद भी वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही होगा, तो तब मैं कहूंगा ग्रामर ठीक हुई है, जुमले का लेवल ठीक है, वजन बराबर है, इधर भी वर्ब के साथ उधर भी वर्ब के साथ एक जैसे एलिमेंट्स जुड़ेंगे। कंजंक्शन के बारे में क्या कहा था, लो ये ऐसी एल्फी है, कंजंक्शन जोड़ती है ना, जो लोहे को लोहे से जोड़ेंगी, कभी लोहे को प्लास्टिक से नहीं जोड़ेंगी, ठीक है जी। अच्छा अब आप लोगों से एक दो मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, आखिरी स्लाइड इसी है हमारी, एक का जुमला प्रैक्टिस का करके फिर एंड करते हैं। हफ्जा इज आस्किंग वेयर डू यू एक्चुअली टीच, एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट आई टीच एट स्टेप एंट्रेंस टेस्ट, मैं स्टेप के प्लेटफॉर्म से पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बेसिकली मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो दैट इज बेसिक माई बेसिक इंट्रो जी। ओके जी नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास, तो जुमला आपको दे रहा हूं, यू विल गेट अ प्राइज, ठीक है जी, यू विल गेट एप्रिसिएशन, यू विल गेट अ प्राइज, यू विल गेट एप्रिसिएशन, इसको जरा जोड़ के दिखाएं ऊपर वाले वर्ड्स को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर, यू विल गेट अ प्राइज, यू विल गेट एप्रिसिएशन, बनाए जी। दो तरीके से जुमला जुड़ सकता है, नॉट ओनली विल यू गेट द प्राइज, वेरी गुड एसन, जबरदस्त, देखो एसन ने इन्वर्जन की है, नॉट ओनली लगाया जुमले के शुरू में तो इन्वर्जन भी की है, नॉट ओनली यू विल गेट अ प्राइज, नॉट ओनली विल यू गेट अ प्राइज बट ऑल्सो यू विल गेट एप्रिसिएशन, और आप बोथ से भी तो बना सकते थे, बोथ से जुमला छोटा भी हो जाना था, यू विल गेट बोथ प्राइज एंड एप्रिसिएशन, कि आपको प्राइज और एप्रिसिएशन दोनों मिलेंगे, बोथ और एंड के साथ भी मिल सकता था, यू विल गेट बोथ अ प्राइज एंड एप्रिसिएशन, और नॉट ओनली मतलब ना सिर्फ, नॉट ओनली विल यू गेट अ प्राइज बट ऑल्सो यू विल गेट एप्रिसिएशन, वेरी गुड जी। जुवेरिया कह रही है कि मैं भी सर आपकी स्टूडेंट हूं, ठीक हो गया, गुड, वेरी गुड। सुजान ने नॉट ओनली को जुमले के अंदर इंसर्ट कर दिया है, यू विल नॉट ओनली गेट अ प्राइज बट ऑल्सो एप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गलती कर गए आप, सुजान का जुमला एनालाइज कर रहे हैं जी, गलती कहां हुई है ग्रामेटिकली, यू विल नॉट ओनली गेट अ प्राइज बट ऑल्सो एप्रिसिएशन देखने में ठीक लगता है, लेकिन यू विल नॉट ओनली गेट, नॉट ओनली के बाद है वर्ब गेट, बट ऑल्सो के बाद एप्रिसिएशन नाउन है, जिनके एंड पर टी आई यू एन शन आ जाए ना, शन वो नाउन होती, नेशन क्रिएशन, तो लोहा प्लास्टिक से जोड़ दिया, ये नहीं करना, आप ऐसा करें नॉट ओनली को प्राइज के साथ लगा दें, प्राइज नाउन है, यू विल गेट नॉट ओनली अ प्राइज बट ऑल्सो एप्रिसिएशन, नॉट ओनली अ प्राइज बट ऑल्सो एप्रिसिएशन, जब नॉट ओनली के बाद भी नाउन आ गया अ प्राइज, बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आ गया, अब ठीक है, वरना नॉट ओनली के बाद वर्ब था और उधर जो था वो नाउन था, तो वो जुमला जो था वो पैरेलल नहीं था, इसको हम पैरेललिज्म भी कहते हैं ग्रामर में, तो ये सेंटेंस पैरेलल नहीं था। तो आई डू होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, द लेक्चर वॉज अ बिट लेंथी, हम टाइम से जो गिवन होता है थोड़ा सा ऊपर जरूर गए, बल्कि काफी ऊपर गए, लेकिन काम की बातें थी, और जब काम की बातें हो रही हो तो मेरा मानना है कि फिर फ्लो चलता रहना चाहिए। चलो कोई बच्चा दरमियान में बिजी भी हुआ होगा तो वह बाद में उतने हिस्से की रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, रीजन के आपको जाहिर है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। कल तक आई थिंक हमारा लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, लास्ट डे है कल, और कल से रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएंगी, क्लास तकरीबन फुल हो चुकी है जितनी की मैं रिक्वायरमेंट चाहता था,
तो स्टूडेंट्स ये कंजंक्टिव एडवर्ब पढ़ा है अभी, कंजंक्टिव एडवर्ब कर लेते हैं, एक स्लाइड रह गई जी, जल्दी से कर लेते हैं। मैं पार्टिसिपेंट्स देखता हूँ अभी मौजूद हैं काफी सारे, सारे मौजूद तकरीबन। देयरफॉर, नेवरदलेस, हाउएवर, रिजल्टेंटली, सो, मोरओवर, दस, हेंस, फाइनली, एटसेट्रा, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, ये कंजंक्शंस भी हैं और एडवर्ब भी है। ये जब मिलाते हैं ना दो क्लॉजेस को, तो याद रखना इनके पंक्चुएशन का भी रूल है, जब ये दो क्लॉजेस मिलाते हैं तो पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा लेते होते हैं, ये याद रखिएगा, पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा लेंगे ये हर सूरत, ये जब जो आएंगे। शी एट बेरीज, दे गेव हर अ रैश, बेरीज वो खाती है, उसने बेरीज खाए और उससे उसको रैश हो गए, मतलब एलर्जी हो गई। शी एट बेरीज, हाउएवर दे गेव हर अ रैश, उसने बेरीज खाई ताहम उससे उसे रैश हो गया, तो हाउएवर से देखो हमने जोड़ दिया, ठीक है जी, तो सो से भी जोड़ सकते थे, शी एट बेरीज सो दे गेव हर अ रैश, लेकिन सो हम नहीं लगाएंगे, हम देर, हाउएवर ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसने खाई है अपनी मर्जी से खाई है, बेशक उसको रैश हो गए थे फिर भी खाई है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये गौर करो, ये जब वर्ड ज्वाइन करेंगे ना तो पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा लगाना, इनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं, ये एक और कैटेगरी है कंजंक्शन, ये एडवर्ब्स भी होते हैं और कंजंक्शंस भी होती है। रिजल्टेंटली ठीक है, शी एट बेरीज रिजल्टेंटली दे गेव हर अ रैश, रिजल्टेंटली के साथ भी यही करेंगे कि पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आएगा, दोनों तरफ क्लॉजेस हैं, वेरी गुड, जबरदस्त जवेरिया, यू डिड रियली गुड, ओके। सुजान इज सेइंग दैट ही इज फ्रॉम इंडिया, ओके, स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आर ऑल्सो देयर इन माय क्लास। सुजान आप इंडिया में कहां से हो? सुजान फ्रॉम वेयर यू बिलोंग इन इंडिया, आई थिंक यू हैव रिटन सुजान दिल्ली, आर यू फ्रॉम दिल्ली, आई हैव अनम्यूटेड यू, उड़ीसा से। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, yes, that word from you people is really good ji, that shows respect for guru Bhai Lagu, and you said that, and yes I understood at once, because zahir hai across the border hum kuch na kuch communication hamari media ke zariye rehti hai, aur wo media ki wording hum phir seekhte hain, aur dekho jo input ho raha hai wo output lazim aata hai, to aapne dekho wo input jo hame milta hai aap media se, to wo zahir hai jaise aapne bola is at once understood that। तो उड़ीसा से आप, वेरी गुड जी, वेलकम सुजान, वेलकम हेयर, और नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, लर्निंग की कोई बाउंड्री नहीं है। मैंने खुद इंडियन ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली आपकी जो राइटर है अरुंधति रॉय, आई रियली, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास करके सर, बहुत ही अच्छा है सर, बहुत मजा आ गया, वेरी वेरी, एंड दैट देखिए दैट मजा आ गया, क्योंकि आप लोगों के इधर हिंदी में ना जे साउंड नहीं होती, जे जैसे हम बोलते हैं शाहरुख खान, आप शाहरुख खान नहीं बोलते, आप बोलते हैं शाहरुख खान, शाहरुख खान, यस यस सर, क्योंकि आपके खे नहीं है, आपके खे है, आपके जे नहीं है, आप चूंकि जे नहीं है तो आप जे बोलते हैं, वो जीम की साउंड जो हमारे उर्दू में उसको जीम कहते हैं, वो इंग्लिश में चलो कह लेते हैं जे की साउंड, मुझे देवंगरी नहीं आती, देवंगरी आपका स्टाइल है लिखने का, उर्दू अरेबिक में, इंग्लिश रोमन में हम लिखते हैं। So I'm really pleased to find a person from my neighbor country. Allah kare ki hum dono countries jo hain, kyunki in dono ke andar jo hai wo mohabbat aur aman rahe, kyunki neighbors kabhi badle nahi ja sakte ji, neighbors kabhi nahi badle ja sakte, neighbors are always with us, we have to live with them forever and ever, or our generations has to live together, not only we are living together, our coming generations, and we cannot give them a world with plight, a world of wars, a world of conflicts, a world of poverty, we have to give them a world of peace, we have to give them a world of brotherhood, and we have to give them a world that comprised of everything that is based on give and take, and that give and take is needed in fact between two countries, aur ye hamare politicians kare na kare hum awam kar sakte hain, hum aapas mein jab taluka jab tak rakhenge to ek aman ki aasha, आपने सुना होगा एक बार कभी चली थी ये कंपेन, तो ये अमन की आशा हम लोगों में कंपेन करने से बरकरार रहेगी। तो रिलक्टेंटली चले जी लेक्चर पर वापस आते हैं, वेरी वार्म वेलकम सुजान, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम उड़ीसा इंडिया, ओके जी।
तो हफ्जा ने क्वेश्चन पूछा है सर कैन वी यूज रिलक्टेंटली हियर, तो आप रिलक्टेंटली शी एट बेरीज रिलक्टेंटली नहीं 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 रिलक्टेंटली यहां फिट नहीं आ रहा, रिलक्टेंटली होता है हिचकिचाते हुए, उसने बेरीज खाई हिचकिचाते हुए उन बेरीज ने उसे रैश दे दिया, नहीं ये मीनिंग नहीं बना रिजल्टेंटली ठीक है, हाउएवर ठीक है, अच्छा रिजल्टेंटली ठीक है, ओके आई थिंक मैं तेजी में रीड कर गया हूँ, yes you wrote resultantly Hafza you are absolutely right and now sorry from my sides that I misread that no issues chale ji ye aapki aaj ka ye end hua ye aapki practice ke sentences hai ye 8 sentences idhar although 4 show ho rahe hain agle 4 I think yahi kahin honge aur aap logo ne kaam karna hai ki ye abhi main jab aapko activity send karunga whatsapp group mein to sujana whatsapp group mein hai मुझे बेशक आप मैसेज नहीं है सर नहीं नहीं हूँ सर तो आप सर, आपने क्लास का क्लास का लिंक कहाँ से लिया फिर आपने सर हसन भाई है ना उन्होंने दिए थे अच्छा हसन भाई ने दिया आपने हसन भाई से मेरा नंबर लेना ना मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा हाँ हाँ सर ठीक है हसन भाई से मेरा नंबर ले लीजिएगा ओके जी दैट्स रियली गुड तो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे दैट Today's lecture was really productive and that was really worth a sum because you would learn sentence making and yes, that would help you in your composition paper and also in your CSS and PMS exams. और अगर मैं इंडिया में आऊं तो आप लोगों के एग्जाम को आई थिंक सी एस पी के एग्जाम्स कहते हैं क्या कह रहे होते हैं वो जो आप लोगों के सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं सर उसका तो मेरा नॉलेज नहीं है सर अभी 11th में हूँ तो अच्छा लग रहा है ग्रामर ओके ग्रामर अच्छा लग रहा है चलें जी तो आपने मुझे व्हाट्सएप जरूर करना है मैं आप लोगों की जो सिलेबस की बुक है वो रीड करना चाहूंगा तो उससे आपसे मैं लाजमी उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी या उसकी पिक्स मंगवाऊंगा ठीक है हाँ सर चले थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल खुश रहें मुस्कुराते रहें अल्लाह हाफिज़